बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जहां लगातार आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ा रुझान का एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं। कन्नौज में अखिलेश को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार मतगणना शुरू हो चुकी है। वहीं नागपुर से बात करें तो नितिन गडकरी आगे हैं, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी आगे नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और अलग अलग लोकसभा सीट से रुझान पर भी अपडेट सामने आ रहे हैं। पुरी से बीजेपी के संबित पात्रा इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। वहीं हरियाणा की करनाल सीट के रुझान की अगर बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर इस वक्त पीछे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। कन्नौज से अखिलेश यादव को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और वो आगे हैं। वहीं कैराना में बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रही है। भाजपा के प्रदीप चौधरी कैराना लोकसभा सीट से इस वक्त आगे हैं। वहीं सपा प्रत्याशी इकरा हसन इस वक्त पीछे नजर आ रही हैं। वहीं केवल की वायनाड सीट की अगर बात करें तो राहुल गांधी वायनाड से इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं और कन्नौज में अखिलेश यादव का रुतबा बरकरार है और बढ़त के साथ वो आगे नजर आ रहे हैं। नागपुर से नितिन गडकरी आगे हैं। ये बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी आगे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। वहीं पूरी लोकसभा सीट की बात कर ले तो बीजेपी के संबित पात्रा इस वक्त आगे हैं। हाजीपुर सीट से चिराग पासवान आगे नजर आ रहे हैं। ये बड़ी अहम सीट बिहार की मानी जाती है। वहीं एमपी की विदिशा सीट की बात कर ले तो शिवराज सिंह चौहान इस वक्त इस सीट से आगे नजर आ रहे हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त आगे हैं। हरियाणा की करनाल सीट का रुझान आपको बता रहे हैं। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर ये अपडेट सामने आ रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर इस वक्त पीछे नजर आ रहे हैं। कन्नौज लोकसभा सीट की अगर बात करें तो अखिलेश यादव को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कैराना लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, बीजेपी प्रत्याशी को यहां से बढ़त मिल रही है। कैराना से भाजपा के प्रदीप चौधरी आगे नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा प्रत्याशी इकरा हसन पीछे हैं। लोकसभा चुनाव के ये रुझान आपको बता रहे हैं। हर एक लोकसभा सीट पर मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। वहीं बड़ी सीट वायनाड सीट की अगर बात कर लें तो वहां से राहुल गांधी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अखिलेश यादव भी कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं और यहां उनको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। नागपुर से नितिन गडकरी इस वक्त आगे हैं। महाराष्ट्र की ये बड़ी लोकसभा सीट जाती है और वहां से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आगे हैं। चंडीगढ़ की अगर बात कर लें तो मनीष तिवारी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पुरी से बीजेपी के संबित पात्रा इस वक्त आगे हैं। ये बड़े चेहरे बीजेपी के हैं जो कई लोकसभा सीटों पर इस वक्त बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हाजीपुर सीट से चिराग पासवान आगे नजर आ रहे हैं। वहीं विदिशा की अगर बात कर लें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको लोकसभा चुनाव को लेकर दे रहे हैं। एमपी में पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। बता दें कि 29 लोकसभा सीटों पर मतगणना हो गई है। वहीं भोपाल से बीजेपी के आलोक शर्मा भी आगे हैं। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। बता दें दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और पहले रुझान की अगर बात करें तो वो बीजेपी के पक्ष में है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। हरियाणा लोकसभा सीट पर चलते हैं तो हरियाणा की करनाल सीट के रुझान सामने आ चुके हैं और बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कन्नौज से अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में हैं और उनको बड़ी बढ़त मिलती हुई कन्नौज लोकसभा सीट से नजर आ रही है। कैराना लोकसभा सीट की बात कर ले तो बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त मिल रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कैराना से भाजपा के प्रदीप चौधरी इस वक्त बढ़त के साथ आगे नजर आ रहे हैं। वहीं सपा प्रत्याशी इकरा हसन पीछे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार पहले रुझान में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और जो मतगणना है वो बीजेपी के पक्ष में होती हुई नजर आ रही है। केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी इस वक्त आगे हैं। वहीं अगर कन्नौज लोकसभा सीट की बात कर ले तो अखिलेश यादव को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सीट नागपुर से नितिन गडकरी चुनावी मैदान में है और बढ़त के साथ इस वक्त आगे हैं। वहीं चंडीगढ़ से बात कर ले तो मनीष तिवारी इस वक्त आगे हैं। लगातार लोकसभा चुनाव का ये अपडेट आपको दे रहे हैं। रुझान आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एनडीए बढ़त के साथ 163 सीट पर पहुंच चुकी है। वहीं इंडिया को 53 सीटें मिली हैं और अन्य के खाते में 28 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर एमपी की बड़ी सीट विदिशा की बात कर ले तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां मैदान में हैं और उनको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनावी मैदान में इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं और एमपी में जो पहला रुझान सामने आया है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। भोपाल से भी बीजेपी के आलोक शर्मा इस वक्त बढ़त के साथ आगे नजर आ रहे हैं।
ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली पे अगर नजर डालें तो सभी 7 सीटों पर इस वक्त बीजेपी बढ़त के साथ आगे है और छत्तीसगढ़ में भी पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है और बढ़त के साथ वो आगे नजर आ रहे हैं। दुर्ग से विजय बघेल आगे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। कुछ मुख्य लोकसभा सीटों के जो रुझान हैं वो सामने आ चुके हैं। वहीं कोयबा लोकसभा सीट की अगर बात कर ले तो कांग्रेस की ज्योत्सना महन इस वक्त आगे हैं। पीलीभीत से बीजेपी के जितिन प्रसाद आगे नजर आ रहे हैं। लगातार ये रुझान सामने आ रहा है और बीजेपी के पक्ष में ये मतगणना होती हुई नजर आ रही है। मंडी से बीजेपी की कंगना रनौत इस वक्त पीछे है। वहीं रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल आगे आए नजर आ रहे हैं। लगातार आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ा ये अपडेट बता रहे हैं। हरियाणा की करनाल सीट के रुझान भी सामने आ गए हैं। वहीं करनाल सीट की अगर बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर इस वक्त पीछे है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। वहीं यूपी की बड़ी सीट कन्नौज से अखिलेश यादव खुद इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और बड़ी बढ़त के साथ आगे नजर आ रहे हैं। और कैराना में भी बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त मिल रही है। भाजपा के प्रदीप चौधरी इस वक्त आगे हैं। वहीं जो सपा उम्मीदवार हैं वो पीछे नजर आ रही हैं। सपा प्रत्याशी इकरा हसन इस सीट पर पीछे है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर रुझान सामने आ रहे हैं। केरल की वायनाड सीट की अगर बात कर ले तो राहुल गांधी वहां चुनावी मैदान में हैं और काफी आगे हैं। कन्नौज में अखिलेश को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं महाराष्ट्र की नागपुर सीट की अगर बात कर ले तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनावी मैदान में हैं और बढ़त के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी आगे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको लोकसभा चुनाव को लेकर दे रहे हैं। 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और रुझान आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार एनडीए को अभी 163 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस की अगर बात कर ले तो 53 सीटों के साथ आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर जो रुझान है वो सामने आ गया है। वहीं अन्य के खाते में 28 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। मतगणना को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त आगे हैं और एमपी में जो पहला रुझान सामने आया है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रहा है। वही बड़ी सीट भोपाल की अगर बात कर ले तो बीजेपी के आलोक शर्मा इस वक्त बढ़त के साथ आगे नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और बीजेपी के पक्ष में पहला रुझान सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। और अगर यूपी की राजधानी लखनऊ की बात कर ले तो वहां से राजनाथ सिंह कुछ चुनावी मैदान में हैं और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की दुर्ग सीट की बात कर लेते हैं, वहां से विजय बघेल आगे है। कोयबा से कांग्रेस की ज्योत्सना महंत आगे नजर आ रही हैं। ये बड़ा अपडेट आपको लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर दे रहे हैं। पीलीभीत से बीजेपी के जितिन प्रसाद आगे नजर आ रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव का रुझान आप देख रहे हैं। देखिए एनडीए 251 सीटों पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वह इंडिया गठबंधन की अगर बात कर ले तो ये रुझान सामने आ रहा है। 101 सीट के साथ इंडिया अलायंस इस वक्त चुनावी मैदान में है। वहीं अन्य के खाते में 37 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। लगातार मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच आज ये फैसला तय किया जाएगा और आप टीवी स्क्रीन पर लोकसभा चुनाव के ये रुझान देखते जा रहे हैं। 251 सीटें हैं जो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया अलायंस की बात कर ले तो 101 सीट इंडिया अलायंस के लिए है। वहीं अन्य के खाते में 37 सीट आप देख सकते हैं। लगातार आपको जो पहला रुझान सामने आया है उसके अपडेट दे रहे हैं। सपा प्रत्याशी इकरा हसन पीछे नजर आ रही हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर। केरल की बड़ी सीट वायनाड सीट की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी इस यहां से आगे नजर आ रहे हैं। वहीं कन्नौज में अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में है और बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि यूपी लोकसभा चुनाव के लिए काफी अहम माना जाता है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से तय होता है और वहां का जो पहला रुझान सामने आ रहा है उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पुरी से बीजेपी के संबित पात्रा इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। लगातार ये कुछ मुख्य लोकसभा सीटें हैं जिनको लेकर ये अपडेट आपको बता रहे हैं। हाजीपुर सीट से चिराग पासवान इस वक्त आगे हैं। लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे और उसी का असर है जो आज देखने को मिल रहा है। वहीं शिवराज सिंह चौहान की सीट विदिशा की अगर बात कर ले तो वहां से शिवराज सिंह चौहान बढ़त के साथ आगे नजर आ रहे हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे हैं। वहीं एमपी में जो पहला रुझान सामने आया है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है।
ये लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 253 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात कर ले तो 101 सीट का जो आंकड़ा है वो अभी तक सामने आ रहा है। वहीं अन्य के खाते में 37 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये रुझान का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ की दुर्ग सीट से विजय बघेल इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कोलबा से कांग्रेस की ज्योत्सना महंत आगे हैं। ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि आखिर इस बार बाजी कौन मारेगा, लेकिन जो पहला रुझान सामने आ रहा है, फिर चाहे बात मध्य प्रदेश की कर ले या छत्तीसगढ़ की या फिर यूपी की, कहीं ना कहीं ये मुख्य राज्य हैं। और जो पहला रुझान सामने आ रहा है उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल आगे नजर आ रहे हैं, वहीं रायबरेली से इस वक्त राहुल गांधी भी आगे हैं। बता दें कि अमेठी और रायबरेली सीट के लिए लगातार जो पेच था वो फंसता हुआ नजर आ रहा था, और आज रायबरेली सीट से राहुल गांधी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये कुछ मुख्य लोकसभा सीटें हैं जिनका रुझान हम आपसे साझा कर रहे हैं। राजगढ़ सीट से दिग्विजय इस वक्त आगे हैं। पाटलिपुत्र से बात कर ले तो मीसा भारती इस वक्त चुनावी मैदान में आगे नजर आ रही है। सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त आगे हैं। कहीं ना कहीं जो यूपी की लोकसभा सीटें हैं इसमें इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में ये कड़ी टक्कर देखी जा रही है। हरियाणा की करनाल सीट की अगर बात कर ले तो वहां से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर इस वक्त पीछे नजर आ रहे हैं। ये रुझान आपको बता रहे हैं। देखिए एनडीए के खाते में एक सीट बढ़ती हुई नजर आ रही है, 254 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। वही इंडिया अलायंस 101 सीट पर है और अन्य के खाते में 39 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देखिए एनडीए के खाते में 257 सीट इस वक्त नजर आ रही हैं। वह इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो 103 सीटों के साथ इंडिया अलायंस इस वक्त नजर आ रहा है और अन्य के खाते में 40 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कुछ मुख्य राज्य हैं, कुछ मुख्य लोकसभा सीटें हैं जिनका रुझान लगातार आपसे साझा कर रहे हैं। यूपी की कन्नौज सीट की बात कर ले, अखिलेश यादव इस वक्त आगे हैं। नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आगे हैं, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी आगे नजर आ रहे हैं। लगातार जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर मतगणना की शुरुआत हो गई है, कड़े इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं और आज ये फैसला होना तय है कि आखिर 2024 की सत्ता पर कौन काबिज होगा। और जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, पहले रुझान में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से ये पहला रुझान सामने आ रहा है, ये माना जा सकता है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे थे वो सच होते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही थी एग्जिट पोल्स में। उसके बाद अब जो पहला रुझान सामने आया है, चाहे एमपी की बात कर ले तो एमपी में भी बीजेपी के पक्ष में ये पहला रुझान सामने आ रहा है। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा आगे हैं, वहीं दिल्ली की भी सभी 7 सीटों पर बीजेपी आगे इस वक्त नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी पहला रुझान सामने आ चुका है और वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ की बात कर ले तो वहां से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। वहीं बड़ी सीट दुर्ग की बात कर ले तो विजय बघेल इस वक्त आगे हैं, लगातार ये अपडेट आपको दे रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 29 सीटों पर मतगणना हो रही है और कहीं ना कहीं 22 सीटों पर जो अभी पहला रुझान सामने आया है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एनडीए के खाते में अब तक 257 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वह इंडिया अलायंस 130 सीटों पर सिमटता हुआ अभी के लिए नजर आ रहा है और अन्य के खाते में 40 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। रायबरेली सीट से भी राहुल गांधी इस वक्त आगे हैं। वहीं वायनाड सीट की बात कर ले तो वहां से भी राहुल गांधी आगे नजर आ रहे हैं। हैदराबाद से इस वक्त ओवैसी आगे हैं। राजगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह इस वक्त पीछे नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। आज 4 जून है और मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और जो पहला रुझान सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। सहारनपुर की अगर बात कर ले तो कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। वहीं गोरखपुर, जो सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है, वहां से बीजेपी के रवि किशन इस वक्त आगे हैं। हरियाणा की करनाल सीट पर नजर डाल ले तो वहां का रुझान भी सामने आ चुका है और बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर इस वक्त पीछे नजर आ रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, जिसके बाद ये काफी अहम हो जाता है कि मनोहर लाल खट्टर की क्या स्थिति वहां नजर आ रही है। वहीं कैराना में बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये अहम जानकारी इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर आपसे साझा कर रहे हैं। लगातार जो लोकसभा चुनाव के रुझान है वो आपके सामने आ गए हैं। वहीं सपा प्रत्याशी इकरा हसन भी कैराना सीट से इस वक्त पीछे नजर आ रही है।
ये बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को। वहीं केरल की वायनाड सीट की अगर बात कर ले तो वहां से राहुल गांधी खुद चुनावी मैदान में है और बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कन्नौज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं और बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नागपुर लोकसभा सीट की बात कर ले तो नितिन गडकरी इस वक्त चुनावी मैदान में आगे नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी आगे हैं। बता दें कि आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी लोकसभा सीटों पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और करीब 40 मिनट के बाद का ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए को 257 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं जो इंडी अलायंस है उनके खाते में 103 सीटें जा रही हैं और अन्य के खाते में 40 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं जहां लगातार कुछ ही समय बाद लगता है कि जो स्थिति है वो साफ होती हुई नजर आएगी कि आखिर 2024 में राजतिलक किसका होने वाला है, क्योंकि एनडीए के खाते में देखिए बढ़त देखने को मिल रही है। 261 सीट पर यह आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इंडी अलायंस अब थमता हुआ नजर आ रहा है। तो ये माना जा सकता है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे थे कहीं ना कहीं बीजेपी को उसी हिसाब से जीत मिलती हुई नजर आ रही है और जो लगातार नारा दिया जा रहा है एनडीए की ओर से कि 400 पार हो सकता है वो पार होता हुआ भी नजर आए, क्योंकि एनडीए के खाते में इस वक्त 261 सीट के साथ बढ़त देखी जा रही है। वह इंडी अलायंस 103 सीट पर समट किया है और अन्य के खाते में 40 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पीलीभीत से बीजेपी के जितिन प्रसाद इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। वहीं मंडी से अगर बात कर ले तो बीजेपी की कंगना रनौत पीछे हैं। बता दें कि कांग्रेस की ओर से विक्रमादित्य सिंह चुनावी मैदान में हैं और कहीं ना कहीं कंगना रनौत के लिए काफी मुश्किल हो जाता है इस सीट को अपने नाम करना। वहीं रायबरेली पेज लोकसभा सीट पर लगातार जो पेच फंसा हुआ था उसके बाद आज देखा जा सकता है कि राहुल गांधी आगे हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट से AIMIM प्रमुख ओवैसी चुनावी मैदान में हैं और बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वही राजगढ़ सीट की अगर बात कर ले तो दिग्विजय सिंह यहां से पीछे नजर आ रहे हैं। पाटलिपुर से मीसा भारती इस वक्त आगे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार अपडेट आता जा रहा है, लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना चल रही है और थोड़ी ही देर में ये स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी कि आखिर 2024 में सत्ता पर कौन काबिज होगा। वहीं गोरखपुर की बात कर ले तो रवि किशन आगे। राजस्थान 20 सीट पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। राजस्थान से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वहीं बारामती लोकसभा सीट की बात कर ले तो सुप्रिया आगे चल रही है। रुझानों में बंगाल में बीजेपी आगे चल रही है। रुझानों में बता दें कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में ये बड़ी टक्कर देखी जा रही है और पहला रुझान जो सामने आया है उसमें बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की करनाल सीट पर मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी उम्मीदवार हैं वो पीछे नजर आ रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में हैं और बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कैराना में बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बता दें कि लगातार जो यूपी का चुनाव है वो काफी अहम माना जाता है और वहां अगर बात कर ले तो एनडीए और इंडिया के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लगातार सहारनपुर की बात करें तो सपा प्रत्याशी इकरा हसन वहां से पीछे नजर आ रही हैं और केरल पर चलते हैं। केरल की वायनाड लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी वहां से आगे नजर आ रहे हैं। वहीं कन्नौज में अखिलेश को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब देखिए ये आंकड़ों में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एनडीए को 266 सीटों के साथ बढ़त मिल रही है। वहीं इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो 111 का ये आंकड़ा आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अन्य के खाते में 50 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। 543 लोकसभा सीटों का ये खेल है जिसमें कहीं ना कहीं जो पहला रुझान सामने आया है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए एनडीए को 266 सीटों के साथ ही बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वह इंडी अलायंस की बात कर ले तो 111 सीटें उनके खाते में जाते हुए अभी तक नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में ये 50 सीटों का जो आंकड़ा है वो आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।